नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का टेक्नो सीरीज यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर सो गाइस, जो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो आज की इस वीडियो को पूरा एंड एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है। अब दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप लोग दोस्तों कई दिनों से अपने मोबाइल फोन को यूज करते होंगे, और कई बार दोस्तों हमसे गलती से क्या हो जाता है कि हमारे फोन के अंदर जितनी फोटोज वगैरह होती है, जितनी मतलब की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोटोज होती है, हम लोग फोटोज तो अपने मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे खींचते हैं कैमरे से, और बहुत सारे व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मतलब व्हाट्सएप पे बहुत सारी जो है फोटोज वगैरह आती है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग जो फोटोज वगैरह होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो कई बार क्या होता है ना, गलती से जो है हम अपनी जो पर्सनली फोटोज होती है वो भी डिलीट कर देते हैं, और फोटो डिलीट होने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। आप लोगों को पता है कई बार दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस वगैरह होते हैं उनको भी हम डिलीट कर देते हैं, और फिर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं यार कि काश मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करता, कितना अच्छा था वीडियो, अब मैं क्या करूं यार। तो गाइस, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके 10 साल पुराने फोटो भी अगर गलती से डिलीट हो गए तो वो भी वापस आ जाएंगे। मतलब अगर आपने कभी गलती से भी कभी फोटो डिलीट कर दिए हैं और आप जो है बहुत ज्यादा परेशान है, आप लोगों के वीडियो डिलीट कर दिया है, आप जो है बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई यार वो वीडियो तुमने डिलीट कर दिया, मैं क्या करूं, तब आपको ये वीडियो देखते ही दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए दोस्तों अगर 10 साल पुराने भी फोटो अगर आपने अपने मोबाइल फोन से अगर कभी डिलीट किए थे ना, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके फोन के अंदर वापस से आ जाएंगे। तो किस तरीके से आएंगे वही मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड कंटिन्यू वीडियो को जरूर देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात दोस्तों कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन में क्लिक करके लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्नो सीरीज को तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस मिलेगी आप लोगों को सबसे पहले। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोटो रिकवरी दोस्तों। ओके, इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस होगा इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों फोटो रिकवरी एप्लीकेशन मेरे सामने आ रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो, नीचे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है दोस्तों। ओके, वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चूज वगैरह करना पड़ता है कि कितने साल पुराने आप फोटो चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन इतना सही काम करता है ना कि भाई 10 से 15 साल पुराने भी अगर फोटो डिलीट हो रखे होंगे ना तो वो भी दोस्तों आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिक रिकवरी कर लेगा उसको। दोस्तों कौन से फोटो आपको लेने हैं कौन सा नहीं लेने वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके सामने इसके बाद एप्लीकेशन ओपन करने का बहुत सारी यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है इस कंपनी की, तो आपको बैक कर देना है। बैक करने का दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सारी की सारी फोटो दोस्तों यहाँ पे देखिए आ चुकी है। देखिए कितनी सारी फोटो है, सारी फोटो मेरे सामने आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी मेरे मोबाइल फोन के अंदर फोटोज थी और सारी फोटो आ चुकी है। मतलब कि दरअसल ये एप्लीकेशन काम कैसे करता नहीं है, ऑटोमेटिकली एक ही टाइम पे जो है ना अपने आप ही फोटो रिकॉर्ड कर देता है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी फोटो है, काफी सारी फोटो मतलब रिलोड ले रही है, और काफी सारी फोटो जो है बंद है, और काफी सारी फोटो देखिए चालू है। जितनी फोटो थी सारी फोटो मेरे आ चुकी है, मेरे फोन के अंदर बहुत सारी फोटो देंगे, इतनी सारी फोटो मैंने डिलीट कर रखी थी और ये सारी फोटो मेरे फोन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली दोस्तों आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है मतलब कि अपने फोन के अंदर ऑटोमेटिकली दोस्तों जो है अगर कोई मतलब बहुत पुरानी फोटोज होती है और वो अगर आपने डिलीट कर रखी है, 10 साल पुरानी भी फोटो अगर डिलीट कर रखी है ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई भी फोटो लेने के लिए फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड आएगा, ऐड को बैक करना है, उसको दोस्तों फोटोज बड़ी खुल जाएगी, उसको आपको कोई भी फोटो को चूज करना है, और यहाँ पे देखिए रीस्टोर लिखा होगा ना, रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दोस्तों फोटो जो है रीस्टोर हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड फोटो दोस्तों रीस्टोर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है 10-10 पुराने साल फोटो भी दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर ले सकते हो। काफी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों और काफी अच्छा काम करती है दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा बाकी दोस्तों काफी अच्छी एप्लीकेशन। देखिए कितनी सारी मेरी पुरानी फोटो थी, सारी फोटो ने डिलीट हो गई थी एंड सारी फोटो ऑटोमेटिकली मेरे फोन के अंदर वापस से आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना दोस्तों, जरूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।